ऑफिस कर आई। काम पे नहीं गया? हाँ जाना है ना, बाद में जाना है। आ जा। आई। हाँ। अभी ना बहुत हो गया तेरे घुटने का। हाँ। इस महीने ऑपरेशन करा डालो। हाँ रे करा लूंगी। हाँ और नहीं तो क्या? ये रिमोट किधर रखा है? देख वहीं कहीं होगा। मिला? हाँ मिला। ए आई। मस्त कड़क चाय पीने का मन हो रहा है। तो बना ना 2 कप इलायची डाल के। बनाता हूँ बैठो, बिना चीनी वाली। आई? हाँ। स्वीटी स्कूल नहीं गई क्या? अरे नहीं, उसका बुखार नहीं उतरा अब तक। क्या हुआ? मैं ऐसा पानी पी रहा था और पूरा पानी मेरे ऊपर आई। अभी हंसो मत, मेरे को ठंड लग रही है, कुछ पहनने के लिए दो। जा ना बेडरूम में जा और अलमारी में दिनेश के कुछ कपड़े हैं, पहन ले। स्वीटी बेटा तुम सो जाओ। उठी क्यों? हाँ ओहो अभी बुखार है। सुनो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रहा हूं अभी, ठीक है? गुड गर्ल सो जाओ। ये ठीक है? अरे तुझे तो एकदम ठीक हो गया। आपका बैंक वाला काम हो? अरे कहाँ, वो चल ही रहा है बस। कहते हैं अभी आधार कार्ड का फोटो ठीक नहीं है। जाने क्या क्या, ये सरकारी काम कोई आसान होते हैं? पीछे लगो तक जाके कहीं होता है। जाने दो, क्या बिगड़ता है आधार कार्ड नहीं है। अरे दादा प्रीमियम भरा की नहीं रे। हेलो हेलो। हाँ अरे पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बाद में हमको मत बोलना कि हम नहीं बोला। अब जल्दी जाके प्रीमियम भर दो।
शहरों में जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, और अगर अपराधी कोई करीबी इंसान हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी बागले सोनू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। बड़ी आसानी से उन्होंने सोनू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वो सोनू को घर की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। सो, हाँ, पता किया फोन किसने किया था? सर, एक मिस्टर चैटर्जी हैं, उन्होंने फोन किया था। पटेल, बाकी लोग का स्टेटमेंट लो। चलो उस चैटर्जी को मिलते हैं। ये रहे मिस्टर चैटर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार, आपने फोन किया था? हाँ सर। सर, वो बच्ची स्वीती लक्ष्मी की पोती थी और उसकी माँ श्वेता 7 महीने पहले ऑफ हो गई, तब से वो अपने नानी के ही साथ रहती थी। नहीं सर, स्वीटी का बाप दिनेश वो तो अलग रहता था, लक्ष्मी और दिनेश में पट्टी नहीं थी और सास और दामाद में तो आज दिन लड़ाई झगड़ा होता था। सर, 3-4 महीने पहले दिनेश 3 नंबर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ है, उसके बाद लड़ाई थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ये रोज का ही था सर। अभी फिलहाल में किसी नए आदमी को इनके यहाँ आते जाते देखा है? ना सर। एक मिनट सर, सर हम दोपहर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो अचानक एक औरत भागती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ चली गई। अब ये औरत कौन थी हमको मालूम नहीं था। सावंत, एक चीज नोटिस की तुमने, छत इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर, और छत के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आराम से आ जा सकते हैं। छत का चप्पा चप्पा स्कैन करो, हो सकता है खून के छींटे, जूतों के निशान या फिर कोई और सुराग मिल जाए। जी सर, चल। चैटर्जी साहब, ये छत हमेशा खुली रहती है क्या? हाँ सर। तुम कौन हो? मैं सर सुनो, ये 2 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। 2 नंबर तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर, फैमिली जैसी थी मेरी ये, लक्ष्मी आई को आई बुलाता था सर मैं, स्वीटी मामा बोलती थी सर मेरे को। मैंने मना किया था आई को कि दिनेश को घर से बाहर मत निकालो। किस बात पे लड़ाई होती थी दोनों की? किस बात पे क्या सर, दिनेश का चक्कर चल रहा था सर सलोनी के साथ। सलोनी कौन है? मेरे को लगा आपको मालूम होगा सर, सलोनी बार डांसर है सर, यही बाइकोला में रहती है। दिनेश शादी करना चाहता था इसके साथ, लेकिन आई सख्त खिलाफ थी कि शादी नहीं होगी। उसे आखिरी बार कब देखा था उसे? यही 1-2 दिन पहले सर। अरे आज नहीं तो कल तो मरेगी ना। ये प्रॉपर्टी पैसा किसका? मेरा। अरे उसमें से 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी आईसीयू में थी और तू इसके साथ? कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। अरे 1 लाख क्या, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे इस नचनिया पे लुटाने के लिए। और देखते रहना, सारा पैसा मैं स्वीटी के नाम कर जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया, अब देख मैं तेरे से कैसे पैसा निकलवाता हूँ। चल सलोनी। पता नहीं सर दिनेश को क्या मिला सब लोगों को मारकर। सावंत, उस दिनेश और सलोनी को उठा लो, देखते हैं क्या निकलता है। उनके सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज से चोट की गई थी, इतनी बुरी तरह की खोपड़ी फट गई, उसके बाद पेट में 7 बार चाकू से वार किया, फिर उस मासूम बच्ची का गला काटकर उसे भी मार दिया। अपराधी ना ताला तोड़ के घुसा, ना ही कोई हाथापाई का निशान है, मतलब कि जो भी लक्ष्मी जी के घर में घुसा वो उनके जान पहचान का ही था। तुम्हारे पास तो उनको मारने का पक्का मोटिव भी था, जितनी नफरत तुम अपनी सास। क्या कह रहे हैं सर, सास को छोड़िए मैं अपनी बेटी को मार दूं? क्यों? दिनेश के सास और उसकी बेटी, उन दोनों को रहते हुए तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे, और तुम दोनों को लक्ष्मी की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, इसलिए दिनेश ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, दिनेश वैसा आदमी नहीं है सर, वो तो स्वीटी से बहुत प्यार करता था। इतने साल के सर्विस में मैं एक बात सीख गया हूँ,
लड़की और लालच, इन दोनों के चक्कर में इंसान वो काम कर जाता है जिसे करने से पहले शैतान भी दो बार सोचे। तो फिर क्या तुमने मारा स्वीटी को? नहीं नहीं सर, मैं कैसे मार सकती हूँ स्वीटी को, वो तो मेरी बेटी जैसी थी सर, और स्वीटी भी मुझे बहुत लाइक करती थी। आई शपथ सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस दिन तुम काम पे नहीं गए थे तो कहाँ थे तुम? उस दिन मैं सलोनी के साथ उसके घर पे था सर। अच्छा, तुम तो इधर थी ना, लक्ष्मी जी के घर पे। उनके पड़ोसी ने तुम्हें छत पे जाते हुए भी देखा था जब तुम मर्डर करके वहां से भाग रही थी। नहीं सर, झूठ है ये, मैं तो अपने घर पे थी उस टाइम। आप चेक कर सकते हैं सर। इस बार ऐसे चाल खेली है ना मैंने, देखना पुलिस झक मार के इन दोनों के पीछे ही जाएगी। ये क्या, बाबा आदम के जमाने का डिजाइन है, मुझे नहीं पसंद। हाँ तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पसंद कैसे आएगा? मतलब फिर किसके लिए ये? मोहम्मद अली रोड पर एक दुकान है, तुम ये सारा सामान वहां पर लेके जाना और बेच आना। हाँ, ये सब अपन बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? समझदार तो तुम हो। समझदार बहुत हूँ मैं। अजीब अजीब चीजें। हटो, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? ये लो शर्ट पहनो। जल्दबाजी में गलती कर दी ना दिनेश राव, देखो तुम्हारी टी शर्ट मिल गई उस बिल्डिंग के पीछे कचरा पट्टी से, और स्वीटी और लक्ष्मी जी के खून के निशान भी है इस पे, क्या नहीं? टी शर्ट मेरा ही है सर ये, पर जब से घर शिफ्ट किया 5 महीने पहले तो टी शर्ट वहीं पे रखा था आई की अलमारी में। देखो ये कहानी किसी और को सुनाना, समझा? और न हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, पिछले 5 महीने से टी शर्ट मैंने नहीं पहना, आई शपथ। कॉल रिकॉर्ड की सबसे वारदात के वक्त सलोनी का फोन बाइकला में था, और उसी वक्त इस मोबाइल से फोन भी किया गया था सर। इसका मतलब सर, चटर्जी ने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो सलोनी नहीं थी। उनका एलिबाय क्रॉस चेक करो, पता करो क्या ये लोग वाकई में उस वक्त भाईकला में थे या फिर ये पुलिस को भटकाने की चाल है। सर, टी शर्ट पर डेट 5 महीने पहले की है। बिल्डिंग के बाजू वाले धोबी से पूछा तो उसने बताया कि उसी का लिखा हुआ है। दिनेश ने भी कहा कि पिछले 5 महीनों से उसने यह टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि यह लक्ष्मी जी की अलमारी में थी। सर दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सावंत कि पिछले 5 महीनों में दिनेश कभी भी लक्ष्मी के यहाँ जाके अपनी टी शर्ट ले गया हो, या फिर उसने खुद ने यह खून नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए हैं। तो अब सर और रगड़ना है उनको? नहीं, वो दिनेश और सलोनी को छोड़ दो, अभी तक हमारे हाथ ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जिसके बिना पर हम उन्हें यहाँ रोक सके, लेकिन जल्दी ये लगने वाले हैं। मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस झक मरा के भी उनके पीछे जाएगी। बड़े डिंगे मार रहे थे ना, छोड़ गया दोनों, अब दूसरा इंतजाम करेंगे। सोनू का दिमाग देखा नहीं है, पता नहीं क्या दिखाओगे तुम। मेरी तो डर के मारे जान ही सूखी जा रही है। एकदम कसम से कह रही हूँ, मैं बहुत डर लग रहा मुझे। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो तुम, एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी और दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी। कोई गलती नहीं किया मैंने, और मैंने जो भी किया ना हम दोनों के लिए किया। अगर अपन फंसे डूबे तो एक साथ डूबेंगे। छोड़ो, अभी मूड नहीं है मेरा। गुस्से में सबसे ज्यादा मजा आता है पागल। सोनू एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका था, कानून से आंख में चोली खेल रहा था। शक के दायरे में और भी लोग थे,
लेकिन उनका भी मोटिव साबित नहीं हुआ था, इसलिए सूझबूझ दिखाते हुए पहले पुलिस ने इस केस के दूसरे पहलुओं की जांच की और फिर उल्टी तरह से सोचना शुरू किया। अब वो चोरी किए गए माल को ट्रैक करते हुए मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनके लिए ये नशा सा बन जाता है, पर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये भूल जाता है कि जुर्म की जिंदगी छोटी होती है और उसका अंजाम दर्दनाक। अब देखना यह था कि घबराहट में सोनू क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, या फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए कोई दूसरी तरकीब निकाल लेगा। सावंत सर, हमें पता करना है लक्ष्मी की प्रॉपर्टी असल में थी कितने की। देखो कोई बैंक डॉक्यूमेंट या फिर पासबुक मिले तो। जी सर, चल तुम इकड़े बगा। कुछ नहीं मिला सर। अरे सर, आप लोग यहां पर? कुछ पता चला आप लोगों को कि किसने किया? चल जाएगा पता। यार तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ, तुम तो लक्ष्मी जी के काफी करीब थे ना, फिर तो तुम्हें पता होगा उनका अकाउंट कौन से बैंक में था। सर मैं करीब जरूर था, लेकिन ये बैंक अकाउंट की बातें ये सब ये घर वालों को ज्यादा पता होती है। अब था तो मैं पड़ोसी, दिनेश को जरूर पता होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो। दिनेश होता यहाँ पर तो आपको पता चल जाता, लेकिन है नहीं हुए यहाँ पर। अच्छा, कहाँ गया वो, कुछ पता है? सर मालूम नहीं है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब दिनेश है मेरे बड़े भाई जैसा, लेकिन क्या पैसे लोगे मुंह खोलने के? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि दिनेश जिस हिसाब से रात को यहाँ से चोरी छुपके निकला था, काफी डाउटफुल लग रहा था वो। आपको ना ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते। नमस्कार। यार सोनू, काफी महंगे शौक है तुम्हारे यहाँ। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का शौक है तो वो। काम क्या करते हो तुम? काम तो सर मैं सेल्समैन हूँ, मैं पावर ऑप्टिमाइजर बेचता हूँ घर घर जाकर। ये मेरे भैया। हाँ जी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्समैन की सैलरी में कैसे इतना सब कुछ। भैया अमेरिका में रहते हैं। हाँ, वहाँ से हर महीने पैसे भेजते हैं तो सब कुछ सब होना चाहिए। चाय? अरे चाय कॉफी फिर कभी। बस इतना बताओ, तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का अकाउंट कौन से बैंक में था? नहीं सर, सच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बताइए ना क्या बात है। सर एक आइडिया है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चेक जनरली सेक्रेटरी के पास जाता है, शायद उन्हें पता हो। हाँ, चैटर्जी अंकल को पता होगा, वो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ मैं लेके चलता हूँ आपको। चलिए चल। नमस्कार सर, लक्ष्मी जी का एबीआई में अकाउंट था। का पेमेंट वगैरह सब क्लियर है? हाँ सर, लक्ष्मी जी का मेंटेनेंस का पेमेंट हर महीने के 5 तारीख को आ जाया करता था। ये फोटो कब की है? 4 साल पहले का है सर, गणेश उत्सव का। क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। देख रहे हो सावंत, कितने सारे गहने पहने हैं। हाँ सर, जितना हमें इनके घर से बरामद हुआ उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा। इस फोटो को हम रख रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, बैंक मैनेजर से बात करो और पूरा डिटेल निकालो। धन्यवाद। और हाँ, इस फोटो को एनलार्ज करो। जितने भी गहने लक्ष्मी जी ने पहने हैं उनके डिजाइन का प्रिंटआउट निकालो और सारे सुनार और ज्वेलरी शॉप वालों को दिखाओ जो हमारे लिस्ट में।
सावंत, एक बात शुरू से खटक रही है मुझे कि दिनेश हमेशा अपने सास से झगड़ता था पैसे को लेकर, और सोनू ने भी बताया कि दिनेश और सलोनी लक्ष्मी से लड़ाई करते थे कहने और पैसों को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है दिनेश, मतलब सास तो फिर भी एक बार ठीक है, अपनी खुद की बेटी का खून करेगा? आंटी केबल कंपनी से आया। अच्छा आजा। सलोनी मैडम है क्या? नहीं रे, वो तो बाहर गई है। क्या काम था? वो मेरे को फोन किया मैडम ने, कह रही थी कि केबल का प्रॉब्लम है, कुछ चैनल नहीं चल रहा। तो चेक कर लेना, मेरा मराठी चैनल भी क्लियर नहीं दिखता है। मैं अभी बराबर चेक करता हूँ। हाँ। मौसी पानी मिलेगा क्या? हाँ देती। ये क्या प्रॉब्लम था बेटा? वो पीछे का प्लग ढीला हो गया था। अच्छा। अभी मराठी चैनल पे चलेगा। अच्छा। अभी आप फोन करना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ। नमस्कार। सुनो। हाँ। प्लीज यहाँ से कहीं चलते हैं ना। तुमने कहा ना कि पुलिस को उस गहनों का डिजाइन मिल गया है। पुलिस को तुम पे शक हो गया तो? किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम देख लेना, पुलिस मुझे टच तक नहीं कर पाएगी। हाँ, ये मुंबई में नहीं रह सकते कहने, ना इन्हें यहाँ पर बेच सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो सुनो सुनो, जब तक मामला ठंडा होता है तब तक प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। 2.5 लाख का कर्जा है मेरे सर के ऊपर, कौन चुकाएगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैंने बात कर ली है। मैं कानपुर जाऊंगा, ये सब गहने लेकर मैं कानपुर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा और आ जाऊंगा वापस, बस। और तब तक पुलिस गेट पे आ गई तो क्या बोलूंगी मैं पुलिस को? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसी के पीछे पागल हूं मैं। अच्छा, तुम देखना पागल होगी पुलिस। सर। सर, मुझे एक हफ्ते के लिए कानपुर जाना है सर। वो क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई पक्की कर दी है सर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा कानपुर का एड्रेस है और ये कानपुर का नंबर है मेरा फोन नंबर, तो आपको जैसे भी जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना सर। बस इतना ही है कि स्वीटी और आई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अपना तो रिकॉर्ड है, ना ही किसी मुजरिम को कभी छोड़ा है और ना ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई है, और जिसने ही तेरी आई और स्वीटी को मारा है ना, वो नहीं बचेगा। हाँ सर, थैंक यू। हाँ आमिर भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सब सेट हो चुका है। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। क्योंकि सोनू हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे जाने से रोक पाते। सोनू जानता था कि किसी भी मुजरिम के जुर्म का पहला सबूत उसका डर होता है, इसलिए उसने डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी जानकारी दे दी ताकि उस पर किसी भी तरह का शक न जाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है, और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वा सकता था। सोनू अपनी आगे की प्लानिंग में लग गया। पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। ये एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें हत्या और चोरी दोनों हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। सर, मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले लक्ष्मी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया, टोटल 8 लाख कैश और 50 तोले सोना सब कुछ निकाल लिया। ये उसका पर्सनल अकाउंट है? सर ये उनकी बेटी श्वेता का अकाउंट है,
जिसका नॉमिनी श्वेता का हस्बैंड दिनेश था। फिर कुछ 7 महीने पहले श्वेता ने दिनेश को हटा के अपनी माँ लक्ष्मी को नॉमिनी बना दिया। श्वेता की डेथ के बाद से लक्ष्मी इस अकाउंट को हैंडल करती है। मुझे लगता है सावंत, श्वेता को दिनेश और सलोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। जी सर, श्वेता बीमार थी और उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद स्वीटी का क्या होगा, इसलिए उसने दिनेश को हटा के अपनी माँ को नॉमिनी बना दिया। और इस बात पे दिनेश लक्ष्मी से भिड़ गया और उसने उसे धमकी दी, तो लक्ष्मी डर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपना बैंक ही बदल देगी। और इस बात की भनक दिनेश को भी लग गई। तो सारी थियरीज दिनेश की तरफ ही इशारा कर रही हैं, सिर्फ एक पक्के सबूत की ज़रूरत है, कत्ल का वो हथियार या फिर चोरी का माल। दिनेश को उठाते हैं फिर से। सर आप लोग क्या हुआ सर? चलो अच्छा है तुम यहाँ आओ, घर की तलाशी लेनी है। क्यों सर, अब क्या हुआ? सर बट हुआ क्या है? सर कैश और ज्वेलरी मुझे नहीं पता कहाँ से आया। शपथ सर, बाकी का पैसा ज्वेलरी कहाँ दिनेश? सर मुझे नहीं पता सर। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, ले चलो इन दोनों को। चल सर, नहीं सर, चल एक मिनट सर, सर चल। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। और सारे सबूत और गवाह तुम दोनों के खिलाफ हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताओ कौन तुम्हें फंसा सकता है? पता नहीं सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सर? अच्छा तुम्हें पता था तुम्हारी सास अपना बैंक बदलने वाली थी? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। आई को मुझ पर एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था, जरूरत पड़ने पर कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन बाहर वालों की हमेशा वो हेल्प करती थी। बाहर वाले? हाँ सर, सोनू वो 2 नंबर की बिल्डिंग वाला, आई ने खुद उसको 5-6 बार पैसे उधार दिए हैं, वो भी 10-20 हज़ार करके। लेकिन वो सोनू क्यों पैसे उधार मांगने लगा? उसका भाई तो अमेरिका से पैसे भेजता है ना उसके लिए। भाई का कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्डिंग में हर दूसरे आदमी से उधार लिया करता था, आई को उस पर बहुत ट्रस्ट था। सावन मुझे सोनू की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए। सर सर सर, चोरी हुए गहनों में से एक डिजाइन को आइडेंटिफाई किया गया है, मोहम्मद अली रोड के एक सुनार को ये बेचा गया था। साहब 4 दिन पहले एक औरत आई थी ये गहने बेचने के लिए, मुझे 1% डाउट हुआ पर मैंने कुछ नहीं बोला। डाउट किस बात का? साहब एंटिक मराठी जाड़े गौटी स्टाइल के गहने अगर एक बुरका पहने औरत बेचने के लिए आती है तो डाउट तो होगा ना सर। घर में CCTV कैमरा नहीं है क्या? नहीं साहब, छोटी दुकान है, कैमरा नहीं है। अरे पब्लिक की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हैं। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कल तक अगर यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगाना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये पंचनामा करके ये सब गहने जब्त करो। सर कानपुर वाले मिश्रा जी का फोन आया था, सोनू ने जो नंबर और एड्रेस हमें दिया है वो सही है। मुझे लगा ही था। अरे तो फिर से आ गया, सुधर जा, वो मिश्रा से कहो उस पर नजर रखें। और बाकी कुछ डिटेल पता चला? सर सोनू के ऑफिस से कॉल शीट्स मिले हैं, वारदात वाले दिन यानी कि 4 तारीख को वो शाम तक कांदीवली में ही था। सर सर रजिस्टर में जो टाइम दर्ज है उसके हिसाब से जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसने 2 सेल भी किए, तो मर्डर कैसे कर सकता है? कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे सर? उसका बैंक डिटेल चेक किया तुमने? पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई सर, शुरू के 7 महीनों में पहली तारीख को उसके भाई के फॉरेन अकाउंट से 1,00,000 रुपए ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से 1 भी रुपया नहीं आया और आज की तारीख में लगभग उसका अकाउंट खाली है। हाँ तो इसीलिए वो हर किसी से पैसे उधार मांगता रहा, तो दिनेश वाज राइट, लेकिन उसके भाई ने अचानक पैसे भेजना बंद क्यों कर दिया? सर इसका जवाब तो उसका भाई दे सकता है। उसके फॉरेन अकाउंट से उसका नंबर निकालते हैं, सोनू के भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं।
माँ प्रणाम। क्या हुआ? मुंह भी फुला के बैठी हो? सब ठीक है मुंबई में। कहा ठीक है, उस चुड़ैल ने अपनी चंगुल में फांस लिया है तुझको। अरे अम्मा, तुम हर बार एक ही बात क्यों करती हो? हाँ छोड़ दो। तू उसे छोड़ दे और कानपुर वापस आ जा। अरे कहा रखा है बम्बई में? अम्मा बम्बई में जिंदगी है मेरी, पैसा है वहां पर, मुझे आप लोगों की तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है यहाँ पर। तो हर बार एक ही बात की रट लगाना छोड़ दो आप। हेलो। हाँ आमिर भाई, सोनू बोल रहा हूँ। माल चेक किया गया? हाँ भाई चेक कर लिया, पूरे 12 लाख का है। कानपुर में मेरे भैया भाभी का एक अकाउंट है जिसको आज तक अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप एक काम करना उसी में पैसा डलवा दो। ठीक है भाई हो जाएगा, बस बैंक का डिटेल मुझे मैसेज कर दो। करता हूँ मैं। ठीक है बेटा। पापा है? हाँ एक मिनट। पापा मिस्टर भोसले जी, क्या आपने इस महीने की 4 तारीख को पावर हाउस कंपनी का ऑप्टिमाइजर खरीदा था? 4 तारीख को? हाँ हाँ, क्यों? इसी सेल्समैन से खरीदा था? चेहरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन उस सेल्समैन की दाढ़ी थी इतना याद है मुझे। हेलो। हाँ शीतल, सगाई की डेट्स फिक्स हो चुकी है परसों, और सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तरसों तक मुंबई आ जाऊंगा। मैं अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक नंबर का शातिर खिलाड़ी है सो, उसने भाप लिया होगा कि शीतल का फोन टैप हो रहा है, इसलिए कोड वर्ड में उसने अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज? सगाई, सगाई, इसी में कोई क्लू छुपाया सावंत। सर आपने एक चीज नोटिस की? शीतल की आवाज कांप रही थी, मेरे ख्याल से वो इस वक्त काफी टेंशन में है। जब मिट्टी गीली हो तो खुदाई करना आसान हो जाता है। आप लोग? सर सोनू घर पे नहीं है। सर मैडम इसे पहचानती हो? मोहम्मद अली रोड के जिस दुकान पे तुम इसे बेचने गई थी उसके सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है तुम्हें। सर हो ही नहीं सकता, उस दुकान पे कोई सीसीटीवी कैमरा। बर लेकिन सर लेकिन साहब मेरी बात सुनिए सर, इस ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सर सर एक मिनट। हाँ सर मैं भी सेल्समैन ही हूँ। 4 तारीख को तुम ही गए थे ना कांदीवली सोनू के बदले? 4 तारीख को पता? वो सर अपन दोनों की सेटिंग थी, दोनों में से एक का अर्जेंट कोई काम रहेगा ना तो दूसरा उसका कॉल संभाल लेने का। तावड़े सर इसका स्टेटमेंट लो। परफेक्ट एलिबाई, परफेक्ट क्राइम, इतना परफेक्ट कि दूर दूर तक उस पर कोई शक ना जाए। केस तैयार है सावंत, और गवाह भी तैयार है, और शीतल का कन्फेशन भी मिल जाएगा। अब इस सोनू को कोई बचा नहीं सकता, बहुत भगाया साले ने। आप लोग यहाँ पर? हाँ तेरी सगाई में आए हैं, लेकिन तेरी सगाई तो टूट गई ना, तो अब कहाँ जा रहे तू? तुम्हें से पूछ रहे हैं, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा हमें कैसे पता कि तुम यहाँ मिलोगे? मैं आपको खुद बता के आया था सर कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। सुन रही, यहाँ मतलब इस वक्त
इस कंपार्टमेंट में। अवड़े, तेरा ये दोस्त आमिर। इसी ने तेरा टिकट बनवाया ना, ये भी अपने साथ मुंबई आ रहा है। और हाँ, वो कुछ गहनों के बारे में बता रहा था, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? शीतल ने सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने लक्ष्मी और स्वीटी का खून किया, फिर कैसे तुमने सारे गहने और पैसे चुरा लिए, और फिर कैसे बड़ी चालाकी से शक की सुई दिनेश और सलोनी की तरफ ले आए, सब कुछ। शीतल, हाँ तेरी शीतल भाभी। अरे रे 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 रे, तेरा भाई जो है ना अमेरिका में, उससे भी बात की हमने। अपनी भाभी के साथ सो रहा था वो, मैंने खुद उसे पकड़ा। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उसे सर, वो मेरी सुने तब ना। सर मर्डर वाले दिन से लेकर अभी तक मैं बस उसको बचाता आ रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। बर पर अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, उस औरत ने सर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, उसने किसने? मेरी भाभी सर। मैं मुंबई नया नया आया था सर, मुझे कुछ नहीं पता था। इस औरत ने भड़काया मुझे, मेरे अपने सगे भाई के खिलाफ मुझको मेरे को भड़काया सर। मैंने गलती की है सर, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता सर। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को मार सकता हूँ सर, मैं कैसे सर? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि शीतल ने ये खून किए हैं? मैं तो कांदीवली में था ना सर। अरे हाँ, मैं आया तो मैंने देखा, लेकिन तेरा वो दोस्त शाहिद, वो तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि उस दिन वो तेरे नाम से इस तो भोसले को कांदीवली में ऑप्टिमाइजर बेच रहा था। तो इसका मतलब तू लक्ष्मी और स्वीटी का बेरे में से कत्ल कर रहा था। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। थैंक यू। हाँ तो तू अब कंटिन्यू कर, मुंबई तक का लंबा सफर तय करना है तो बहुत टाइम है अपने पास, कर शुरू। भैया ने पैसे भेजने बंद ही कर दिए, और जिस तरह का मेरा रहन सहन था, खर्चे थे, पैसे कम पड़ने लगे। मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी आई के पास काफ़ी ज्वेलरी है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि किसी दिन उनका दामाद दिनेश उनके सारे पैसे हड़प लेगा। इसीलिए मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आई तुम ना सारे पैसे गहने वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वाला अकाउंट बंद कर दो, एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डाल देते हैं, और दिनेश को हल्की सी भी भनक नहीं लगेगी। सच में मैं खुलवाऊंगा नया अकाउंट, हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इंसान की खोपड़ी में एक पॉइंट होता है जहां पर आप किसी कुंडे जैसी चीज या फिर किसी भारी चीज से अगर चोट करें तो याददाश्त चली जाती है, चोट के निशान भी नहीं रहते। मेरा निशाना चूक गया सर। मैं स्वीटी से मैं सच में बहुत प्यार करता था। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि मैं छोटी बच्ची को कहीं दूर छोड़ के आ जाता हूँ सर, पकड़े जाने का डर। और मैं मानना पड़ेगा, मैट्रिक फेल है ना तू, 21 साल के सेल्समैन से इस तरह के प्लानिंग की उम्मीद नहीं की थी हमने। अबे, अगर अपना दिमाग सही जगह पे लगाते कुछ साल और जी लेते तो। सोनू जैसे शातिर दिमाग वाले मुजरिम पुलिस से रोज नहीं टकराते, लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर बैठता है, और फिर उसकी बनाई हुई फर्जी कहानी ताश के पत्तों के महल की तरह एक फूंक में ढह जाती है, क्योंकि कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग शायद अपनी तन्हाई, अपने अकेलेपन की वजह से किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने दिल का हाल बांट लें, लेकिन उनके लिए भी बेहद जरूरी है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। साथ ही ये केस हमारे सीनियर सिटीजंस की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? ये जरूरी है कि हम अपने आसपास में रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों के बारे में जानकारी रखें और समय समय पर उनका हालचाल जानते रहें। जो माँ बाप हमारी जिंदगी बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, क्या जीवन के इस पड़ाव पर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज नहीं बनता? और हम ये ना भूलें कि जीवन के इसी पड़ाव पर एक ना एक दिन हम भी खड़े होंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल
100 125 को सीख हम सबको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।